बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस शहजाद अल्टीमेट टेस्टी किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं आम का अचार बना रही हूँ, जो इंस्टेंट वाला अचार, क्योंकि जो हम बनाते हैं तेल वाला अचार उससे तो तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये इंस्टेंट है, 2 दिन में ये तैयार हो जाता है। इसके लिए ये मैंने आम लिए हैं, 1 kg आम है, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा सख्त वाले आम हैं। कोशिश कीजिए आप भी ये सख्त आम हो, तो इन्हें मैं छील के और इसके मैं छोटे स्लाइसेस कर लूँगी। इसका छिलका मैं पूरा उतार दूँगी और छोटे स्लाइसेस करूँगी, क्योंकि अक्सर बड़े स्लाइसेस वाले आम का अचार जब बनाते हैं तो फिर बाज़ दफ़ा पूरा नहीं खाया जाता और ज़ाया हो जाता है। तो छोटे क्यूब्स होंगे तो जितना हमें खाना होगा हम उतना लेंगे। तो मैंने देखिए छोटे साइज़ की इसके मैंने क्यूब्स काट लिए, अब मैं इन्हें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं 2 टीस्पून चीनी और 2 टीस्पून नमक मिला दूंगी। मिला के इसे मैं मिक्स करके, नमक और चीनी को मैंने मिक्स कर दिया और इसे मैं कवर करके किचन काउंटर पे तकरीबन 24 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि जब भी आप अचार बनाएं, एक तो आपके हाथ साफ़ हों, आपके जो बर्तन है वो बिल्कुल साफ़ हों और ड्राई हों, उनमें पानी का एक ड्रॉप भी ना हो। अगर पानी होगा तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। अब 24 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए व्यूवर्स, 24 घंटे हो गए हैं। अब ये जो मैंने इसमें नमक और चीनी लगाया था ना, उसकी वजह से ये देखिए पानी निकल आया इसका सारा। अब इसे हम स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लेंगे। इसे मैंने स्ट्रेन करके और आधा घंटा छोड़ दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह निकल जाए। अब इसमें मैं ये मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, ये डाल के मिक्स कर देंगे। नमक मैंने पहले भी मिलाया था, इसलिए अब थोड़ा सा तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैं और मिलाऊँगी। और ये बटन रेड चिली है, ये 20-22 दाने ले लें और ये मिला दें। ये बहुत मज़े की, जब इसमें सॉफ्ट हो जाती हैं तो बहुत मज़ा आता है खाने का। साथ 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची, इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। ये मिक्स हो गया, अब मैं इसे जार जो है वो अच्छी तरह वॉश करके, इसे मैंने स्टेरलाइज कर लिया था, बिल्कुल ड्राई है अंदर से, पानी नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिए। अब ये सारा मैंने जार में डाल दिया और इस पर मैं तकरीबन 1/2 कप के करीब सिरका डाल दूंगी। सिरका डाल के इसे मैं मिक्स कर दूंगी और फिर इसे कवर करके हम 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। 2 दिन के बाद ये बहुत मज़े का अचार तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें 1 कप के करीब मस्टर्ड ऑयल, उसे लहसुन डाल के आप जला लें और वो डाल दें, तो ये थोड़ा सा लंबे टाइम तक चलेगा आपका अचार। इस तरह ये है कि ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं चलता, बस थोड़े दिन, इसीलिए इसे कम बनाते हैं। इस क्वांटिटी में आप बनाएं और इन्जॉय करें, फिर ख़त्म हो जाए तो जब तक आपको केरियाँ मिल रही हैं आप बना लें। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं और लंबा चलाना चाहते हैं तो आप इसमें मस्टर्ड ऑयल भी मिला सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।